सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं प्रभु का हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु की दासी का भी, जॉन सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना सुनकर मैंने यूट्यूब पर रिसीव किया और अगले दिन मुझे जॉय कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। इसलिए मैं प्रभु का थैंक्स बोलती हूँ और उसकी महिमा करती हूँ, उनकी तारीफ़ करती हूँ। हालेलुया। और प्रभु का वचन है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार कर दे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, और जो अपने प्राण को बचाए वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद जॉन सिस्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की हर घर में स्तुति हो, प्रशंसा हो। आमीन, हालेलुया। इस गवाही के लिए प्रियो, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये बहन बता रही थी कि जब इन्होंने मिश्पा प्रेयर टावर पर फोन किया तो जॉन सिस्टर ने फोन नहीं उठाया था, क्योंकि वो दुआ कर रही थी। लेकिन ये बहन हमारी यूट्यूब की प्रार्थना को सुनकर विश्वास से रिसीव किया और इन्हें जॉब मिल गई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 113 में, परमेश्वर दरिद्र को घूरे से उठाकर राजा की मेज पर बिठाता है। आमीन, हालेलुया। आइए अब वचन में चले, फिर प्रार्थना में चले। आमीन। आज का हमारा विषय ये है कि जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, यदि कोई आपका मजाक उड़ाए या निंदित करे या आपका अपमान करे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ तीन काम करना, लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा और वो कभी आपके सामने मुंह उठाने के लायक नहीं होंगे। आमीन। पहला काम यह है कि आप बिल्कुल चुपचाप रहें, शांत रहें। इस बात का जवाब आपको आगे मिलेगा। दूसरा काम यह है कि घुटनों पर जाकर उपवास प्रार्थना करें। तीसरा काम यह कि आप परमेश्वर के उपहार की बाट धोएं, जो गिफ्ट वो आपको देने वाला है उसकी प्रतीति करें। वो आपके मांगने से ज्यादा सोचने से अच्छा होता है। आमीन, हालेलुया। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, जब तक वचन नहीं पढ़ा जाएगा आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में, जो पहला समूएल पहला अध्याय, वहां इस प्रकार लिखा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एल काना नामक पुरुष के दो पत्नियां थी, एक का नाम पनिन्ना, दूसरी का नाम हन्ना। पनिन्ना के दो बच्चे थे, परंतु हन्ना के बच्चे नहीं हुए थे। जब हम इसी पहले अध्याय के चौथे पद में पढ़ते हैं, तब वहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु उसकी सौत यानी कि पनन्ना इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती कुड़ाती रहती थी, इसलिए पनन्ना रोती और खाना ना खाती थी। जब हम इसके 10 पद को पढ़ते हैं, तब यहाँ इस प्रकार लिखा है, पनन्ना
हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई आपको अपमानित करे, लज्जित करे, निंदित करे, तो आप शांत हो जाना और अपने परमेश्वर के आगे घुटने टिकाकर आंसू बहाकर दुआ करना। अपना दुख किसी भी मनुष्य को ना बताना, क्योंकि उससे भी आपको निंदा मिलेगी। क्योंकि इसी पद 12 अध्याय में, इसी अध्याय के 12 पद में इस प्रकार लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हनन ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखी मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खुलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा पर दे। उसने उससे कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। हालेलुया, आमीन। वचन के पढ़े जाने से, सुने जाने से आपको आशीष मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हन्ना ने तो एली की बातों पर प्रतीति कर ली थी, विश्वास के साथ रिसीव कर लिया था। जब आप इसी के पहले अध्याय के 20 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम समुएल रखा। आमीन, हालेलुया। और हन्ना ने उसे यहोवा को समर्पण कर दिया। जब आप इसी के पहले पद, पहले समुएल दूसरे अध्याय 21 पद को पढ़ते हैं, तब वहाँ भी इसी प्रकार लिखा है कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के मांगने से, मनुष्य के सोचने से कहीं ज्यादा है। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, तब वहाँ यही दर्शाया गया है कि हन्ना चुप रही और हन्ना ने प्रार्थना की, हन्ना ने अपने परमेश्वर के गुहार की बाट धोई। हालेलुया। दाऊद राजा भजन संहिता 23 में इस प्रकार कहते हैं, चाहे मैं घोर की तराई में होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। कितने साल? 14 साल। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कितने साल? 40 साल। हालेलुया। प्रियो, जब 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 दाऊद का अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के बाद राजा की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन फिर भी दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर की तराई से होकर चलूं, कितने साल? 14 साल। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, कितने साल? 40 साल। दाऊद राजा 40 साल राजा बने। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि कोई भी आपका मजाक उड़ाए, निंदित करे, अपमानित करे, कुछ भी क्यों ना कहता रहे, चाहे आपको कितना समय हो गया, परमेश्वर की बात जोते रहना, उसके कामों की प्रतीति जरूर करना, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर
परमेश्वर दया का सागर क्षमा की खान है। चाहे कोई भी आपको किसी भी बात के लिए निंदित करे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरे लोग कहाँ हैं, तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है, तू प्रार्थना सही नहीं कर रहा, तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आप शांत रहे, चुप रहे और परमेश्वर की बात जोते रहे, क्योंकि उसका आना निश्चय है, उसकी मेज लगाना निश्चय है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, अपमान कर रहा है, तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि यहोवा आपके लिए राजा की मेज लगा रहा है। आमीन, हालेलुया। तू सही है, ये बात तुझे और तेरे परमेश्वर को पता होनी चाहिए। दुनिया तुझे क्या कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा प्रतिफल तेरे परमेश्वर के हाथों में है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रतीति करते हैं, बाढ़ जोते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। स्वर्ग में आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। हाँ मेरे परमेश्वर, आप आपने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया है। आपकी आंखें हैं, आप देखते हैं, आपके कान हैं, आप सुनते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु, आपके होंठ हैं, आप बोलते हैं, आपका हृदय है जो मनुष्य से पहले पिघल जाता है। आप दयालु हैं मेरे प्रभु, जो दया करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता, प्रार्थना को करते हैं मेरे प्रभु, जो सच में मेरे प्रभु दीन है, दरिद्र है, अनाथ है, बेसहारा है, अपमानित में है मेरे पिता, निंदित में है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु किसी ने लज्जित किया है मेरे पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तू अपना दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, शांति वाला हाथ, छुटकारा वाला हाथ, चमत्कार वाला हाथ मेरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़ा मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा तू मन को जांचता है और विचार कुछ नहीं करता मेरे पिता, विचार कुछ में उत्पन्न होते हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तू सामर्थ्य 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 है मेरे पिता। तेरा वचन कहता है, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु, आज तेरे लोग तुझे ढूंढते हैं मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, तेरी बात जोते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे यहोवा, तू सामर्थ्य है, हे यहोवा महामहिम परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, शाश्वत परमेश्वर, शोभा तेरी है, सामर्थ्य तेरी है मेरे परमेश्वर, भेव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। हे यहोवा परमेश्वर, राज्य तेरा है, मनुष्य तेरे हैं मेरे प्रभु, हम तो कुछ नहीं, मिट्टी है मेरे परमेश्वर, हम तो राख है, हमारा कोई वजूद नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, भजन संहिता 103 में, कि वो तो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पे से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, वो तो बांज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली मादा बनाता है मेरे परमेश्वर। मेरे सर्वशक्तिमान, तू दया का सागर है मेरे प्रभु, जब हम आपकी वचन को पढ़ते हैं मेरे पिता, ऐसा कौन हुआ मेरे प्रभु जिसका अपमान ना किया गया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जब से सृष्टि बनी अब तक मेरे प्रभु तेरे लोगों का अपमान होता है, लेकिन मेरे परमेश्वर तेरा वचन सत्य है मेरे पिता, तू सामर्थ्य है मेरे प्रभु, तू शक्तिमान है, जो वचन कहता है मेरे पिता, भजन संहिता 34 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्वे किया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, इस दिन ने पुकारा तब यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन, मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा रब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और
और पिशुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता आज तेरे लोग मेरे प्रभु टूटे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, हो राजा हालेलुया, कष्टों में है, परेशानी में है, विपत्ति में है, शोक में है, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में है। मेरे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा, ओ हालेलुया, अपना दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, शांति वाला हाथ, मेरे परमेश्वर अपने सम्मान वाला हाथ बढ़ा मेरे प्रभु, ओ अपने लोगों को छुड़ा मेरे पिता परमेश्वर, अपने लोगों पर आशीष सुनेल मेरे पिता, अपने लोगों को सामर्थ्य मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस तरह आपने अब्राहम को सामर्थ्य मेरे पिता, वैसे अपने लोगों को सामर्थ्य, जिस तरह इसहाक को आशीषित किया मेरे पिता, आप अपने लोगों को आशीषित करें मेरे पिता। जिस तरह याकूब को नाम बदल के इजराइल रख दिया, वैसे ही अपने लोगों का नाम बदल कर मेरे परमेश्वर आप अपनी मर्जी से रखें मेरे पिता परमेश्वर। और राजा जिस तरह याकूब की सुधली और गड्ढे में से निकाल कर राजा के मेज पर बिठाया प्रभु, और फिर उसके बाद जेल में से निकाल कर प्रधानमंत्री बनाया मेरे पिता। आज मैं नहीं जानती मेरे पिता तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर किस गड्ढे में है, परेशानी में है मेरे पिता परमेश्वर। और राजा हालेलुया मेरे पिता, मेरे प्रभु झूठे कैस में मेरे पिता जेल में बंद है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। और राजा जिस तरह तूने यूसुफ की जिंदगी में काम किया, उसी तरह अपने लोगों की जिंदगी में काम कर, जो तेरी बाढ़ जोते हैं मेरे परमेश्वर, जो तेरी ओर अपने मुंह को लगाते हैं परमेश्वर, अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं, अपने घुटने तेरे सामने टिकाते हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं परमेश्वर। आप हमारी स्तुति लेते हैं और सदैव हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करें और राजा आप उन पर अनुग्रह करें मेरे पिता, क्योंकि तू सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य को मेरे परमेश्वर अपने लोगों के बीच में ला मेरे पिता। मेरे प्रभु जब तू बहुत जल्द आने वाला है मेरे पिता, तो अपने लोगों को सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, बल से भर दे, विश्वास से भर दे। और राजा अपने लोगों को उद्धार के लिए तैयार कर मेरे पिता, उद्धार के वस्त्र बना दे, सुंदर मुकुट लगा दे मेरे प्रभु, कि तेरे नाम की बड़ाई तेरे लोगों के होठों से हो मेरे पिता, तेरी महिमा तेरे लोगों के होठों से हो पिता। मेरे परमेश्वर हर घुटना टिके, हर जुबान अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु परमेश्वर है मेरे पिता। हम जानते हैं मेरे पिता तेरे लोगों को अपमानित किया जाता है मेरे प्रभु, निंदित किया जाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं मेरे पिता कि तू उन पर अपने मुख का प्रकाश चमकाता है और वो प्रकाश मान हो जाते हैं। आमीन मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिस तरह मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु राजा तू सब कुछ सहत आ गया मेरे पिता, तेरे वस्त्र फाड़ दिए गए, तेरे मुंह पर थूका गया मेरे प्रभु, तुझे अपमानित किया गया मेरे परमेश्वर, जहां जहां मेरे पिता तुझे बीच बीच मेरे पिता, मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु न्याय के लिए तुझे मेरे परमेश्वर, वो राजा मेरे प्रभु राजाओं के सामने मेरे प्रभु जो राजा नहीं थे उनके सामने पहुंचाया गया और तुझ पर झूठा केस इल्जाम लगाया गया, तू सब कुछ सहता गया प्रभु, तेरे मुंह पर मारा गया मेरे पिता, कांटों का काज तेरे सर पर लगाया, तू सब कुछ सहता गया, अपमान पर अपमान तेरा होता गया, तू सब कुछ सहता गया। हां मेरे परमेश्वर वो राजा तू सब कुछ सहता गया, गुनाह हमने किए, पाप हमने किए, सजा तुझको मिली मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, और हम जानते हैं कि तूने हमारे पापों को अपने पर ले लिया और तू हमारे लिए निंदित हुआ मेरे पिता। गलातियों 3 तेरे के अनुसार तू हमारे लिए श्रापित बना मेरे परमेश्वर, और हमारे श्रापों को अपने पर उठा लिया मेरे पिता। हम जानते हैं मेरे पिता तू सब कुछ सहता गया, हां मेरे परमेश्वर, हां मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, चुपचाप मेरे पिता तू सब कुछ सहता गया मेरे पिता। और आज मेरे पिता तू स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है, न्याय की पुस्तक तेरे हाथों में है, उद्धार करता तू है, मुक्ति दाता तू है मेरे परमेश्वर। पिता ने सारा राज तुझे दे दिया, क्योंकि तूने सहन किया मेरे परमेश्वर, बर्दाश्त किया और हमारे गुनाहों को अपराधों को अपने पर ले लिया मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बाढ़ जोते हैं पिता। हम मेरे परमेश्वर हम आपसे सामर्थ मांगते हैं प्रभु, जिस तरह आप मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु कब्र को चीर के मौत को जीत के पिता के दाहिने विराजमान हो गए, परमेश्वर वही सामर्थ हमें दे कि अपनी परिस्थितियों को चीर के मेरे
पिता अपने हालातों को चीर के मेरे प्रभु कि आप में हम विश्वासी मेरे पिता परमेश्वर दृढ़ विश्वासी रहे और आपके नाम को महिमा करते रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनते हैं और उन पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी ज्योति उनके मुख पर ला मेरे प्रभु, और राजा उन्हें प्रकाश मानकर उन्हें ज्योतिर्मय की संतान बना मेरे प्रभु, उन्हें सामर्थ्य शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, अपनी उपस्थिति पवित्र आत्मा से भर दे मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।